सुप्रभात बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना की इस महामारी ने सभी के जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है, इसलिए सबसे बेहतर उपाय यह है कि आप घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंस को बनाए रखें। आज हम लोग एकांकी संचय में पाठ महाभारत की एक सांच के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस पाठ के माध्यम से मैं यह बताना चाहूँगा कि महाभारत की एक सांझ एकांकी जो है वह भरत भूषण अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है। जैसा कि भरत भूषण अग्रवाल बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, इनका जन्म सन 1910 ईस्वी में और मृत्यु इनका 1975 ईस्वी में हुई। मुख्य रूप से ये कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने नाटक, एकांकी, उपन्यास, निबंध, आलोचना आदि सभी विधाओं में अपनी लेखनी लिखी। अगर इनकी भाषा को देखें तो हम पाते हैं कि इनकी भाषा शैली बहुत ही प्रभावशाली, सरस और नवीन ढंग से जो है इन्होंने प्रस्तुत किया है, और इसमें भी इन्हें जो है महारत हासिल है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार भरत भूषण जी महाभारत के युद्ध का, उसकी संध्या का बड़ा ही सजीव चित्रण कर। महाभारत की एक सांझ या जो एकांकी है इसमें अलग अलग पात्र हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है वह कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। धृतराष्ट्र जो कि हस्तिनापुर के जन्मांध राजा हैं और दुर्योधन के पिता हैं, पांडु इनके छोटे भाई हैं और पांडव इनके भतीजे हैं। यहाँ पर एक और पात्र संजय है जो धृतराष्ट्र के विश्वास पात्र मंत्री हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत के इस युद्ध का विवरण उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाया था। दुर्योधन जैसा कि हम जानते हैं धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र है। युधिष्ठिर पांचों पांडवों में सबसे बड़े हैं। भीम युधिष्ठिर से छोटे भाई हैं। यह जो महाभारत की एक सांझ जो एकांकी है यह कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय के किनारे जो है हुई है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि महाभारत का युद्ध जब कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, और जब यह युद्ध लगातार चलता रहा, धीरे धीरे करते हुए सारे जो हैं एक से एक महारथी सभी धराशायी होते चले गए, अंत में जो है केवल धृतराष्ट्र का पुत्र सुयोधन, जो दुर्योधन के नाम से जाना जाता था, वह बच गया और किसी तरह से जान बचा करके कुरुक्षेत्र के नजदीक एक द्वैत वन था और वहीं के सरोवर में जाकर के वह नीचे छिप जाता है। उसी संध्या के समय का वर्णन का जो है इस एकांकी में जो है किया गया है। जैसा कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच भी हुआ था, न्याय और अन्याय के पक्ष को लेकर इस पौराणिक युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडवों की विजय हुई। न्याय और अन्याय के पक्ष को लेकर इस पौराणिक युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की विजय हुई। इस युद्ध में कौरव पक्ष के सभी प्रमुख सैनिक मारे गए थे, परंतु कौरव पक्ष का प्रमुख सुयोधन बच गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि वह अपनी जान बचाने के लिए उसी कुरुक्षेत्र के द्वैत वन के सरोवर के जल स्तंभ में जाकर छिप गया, परंतु शिकारियों के द्वारा पांडवों को जो है इसकी खबर मिल गई कि सुयोधन जो है वह द्वैत वन के सरोवर में छिपा हुआ है। पांडव सभी जो है सरोवर के पास पहुंच गए। पांडवों ने दुर्योधन को ललकारा। जैसा कि हम देखते हैं उसी बीच के संवाद का वर्णन यहां पर दिया गया है। पहला पहले तो जैसे कि दुर्योधन वह कहता है कि
इस युद्ध से मुझे विरक्ति सी हो गई है। हे युधिष्ठिर, तुम ही जो है हस्तिनापुर राज्य में राज्य करो। परंतु अंततः हम इस एकांकी में देखते हैं, दुर्योधन के पास जब कोई चारा नहीं बचता है, भीम और युधिष्ठिर के ललकारने पर अंततः गदा लेकर युद्ध करने का वह निश्चय करता है। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर उतरते हैं। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। जैसा कि श्री कृष्ण के इशारे पर भीम जो है दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करते हैं और दुर्योधन चीत्कार करके कुरुक्षेत्र के मैदान में गिर पड़ता है। पांडव सभी जय घोष करते हुए चले जाते हैं। शाम का समय होता है। इधर जैसा कि दुर्योधन जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में चीत्कार खाकर गिरा पड़ा हुआ है, अश्वत्थामा सर्वप्रथम मुझसे मिलने के लिए आता है और अपने मित्र दुर्योधन से पांडवों से बदला लेने की बात कहकर वह चला जाता है। उसके बाद युधिष्ठिर आते हैं और जैसा कि युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, उसी कड़ी को जो है इसी महाभारत की एक सांझ में दर्शाया गया है। अंत में दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि इस युद्ध में मुझे कोई ग्लानि नहीं हुई है, केवल मुझे एक ही दुख जो है मेरे साथ जाएगा कि आखिर उसके पिता अंधे क्यों हुए, नहीं तो वही राजा आज बनता। इस प्रकार जो है इस एकांकी का अंत हो जाता है। इस प्रकार इस एकांकी का सारांश यह था। जैसा कि महाभारत की एक सांझ में अलग अलग पहलू भी हैं, शाम का समय है, धृतराष्ट्र जैसा कि संजय से कहते हैं कि पापों का परिणाम है मेरी ये, यह किसकी भूल थी, आखिर यह किसका भीषण फल जो है मुझे मिला है, क्या यह पुत्र मोह का अपराध तो नहीं है, क्या यह पाप तो नहीं मैंने किया। धृतराष्ट्र जो है तरह तरह की बातें जो है उसके मन में आती है, शायद कुरुक्षेत्र के मैदान के इस भयावह युद्ध के कारण ही धृतराष्ट्र के मन में ये सारी बातें आ रही है और ये सारी बातें वह जो है अपने विश्वास पात्र मंत्री संजय से कहता है। संजय जो है धृतराष्ट्र को कहते हैं कि शांत हो जाइए महाराज, इतना शोक करना जो है व्यर्थ है। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, क्योंकि संजय ही जो है अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रही सारी घटना का जो है वर्णन वह धृतराष्ट्र से कर रहा है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि आत्मरक्षा का कोई उपाय न देखकर दुर्योधन जो है द्वैतवन के सरोवर में चला गया है और उसके जल स्तंभ में छिपकर बैठ गया है। न जाने जो है पांडवों को इसकी सूचना कहाँ से मिल गई और वे सभी के सभी वहां पहुंच गए हैं। आगे जो है इस एकांकी में हम देखते हैं कि दुर्योधन जो है वह सरोवर के अंदर जाकर छिप गया है और अहेरियों के द्वारा, अहेरी अर्थात शिकारियों के द्वारा पांडवों को इसकी सूचना मिल जाती है कि दुर्योधन जो है द्वैतवन के सरोवर के जल स्तंभ में जाकर छिपा हुआ है और उस सरोवर के नजदीक पहुंचते ही पांडव सब में सर्वप्रथम भीम जो है वह कहता है अपने भाई युधिष्ठिर से कि महाराज, यह यही द्वैतवन का सरोवर है जैसा कि अहेरी कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इसी जो है जल स्तंभ इसी सरोवर के जल में छुपते हुए देखा है। युधिष्ठिर कहते हैं कि चलो उसे बाहर निकालने की हम कोशिश करते हैं। युधिष्ठिर बाहर से पुकारता है कि अरे ओ पापी, अरे ओ कपटी, अरे ओ दुरात्मा दुर्योधन, तुम औरतों की तरह इस जल में क्या जाकर छिप बैठे हो? तुम अपने आप को तो महारथी कहते हो, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते? मैं तुम्हें ललकार रहा हूं। जैसा कि उधर जल स्तंभ से कोई आवाज ना पाकर, कोई उत्तर ना पाकर भीम फिर से कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कह रहे हैं दुर्योधन, तुम्हारे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर
क्या तुम कायरों की तरह प्राण बचाते फिर सकते हो? क्या तुम में इसमें लज्जा नहीं आती है कि कायरों की भांति तुम जो है इस जल में अंदर जाकर छिप गए हो? भीम की बातों को सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि लज्जा? किस लज्जा की तुम बात कर रहे हो भीम? इस पापी को लज्जा आएगी? ऐसी अनहोनी बात की तुम कल्पना कैसे कर सकते हो? जो व्यक्ति अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की तरह कटवा सकता है, अपने भाइयों को जीवित जलवा सकता है, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित कर उसका आनंद ले सकता है, उससे लज्जा का परिचय होगा? सभी मिलकर जो है हंस पड़ते हैं। दुर्योधन जो है अंदर से वह कहता है कि हंस लो दुष्टो, जितना भी चाहे तुम लोग हंस लो, परंतु यह कभी तुम मत भूलना कि अभी मैं जीवित हूं और मेरी भुजाओं में भी बल अभी बचा हुआ है। दुर्योधन की इन बातों को युधिष्ठिर सुनते हैं। यहां पर दो तीन तरह की बातें आती हैं कि भरी सभा में भाभी के साथ क्या अपमानित किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि युधिष्ठिर की पत्नी का नाम द्रौपदी था और किस प्रकार से दुर्योधन ने जो है द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया था, उसके बारे में हम लोग अगली बार उसे जानेंगे। आज के लिए यहीं तक इतना ही। कुछ प्रश्न भी मैं दे रहा हूं इस जितना मैंने आज पढ़ाया है। आशा करता हूं कि आप जो है उन प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिख के रखेंगे और जब स्कूल खुलेगा तब मैं जो है उसे चेक कर दूंगा। प्रश्न जो है वो आपके सामने आएगा आएगा, ध्यान से उसे आप देखिएगा। एक गद्यांश है, इसमें चार प्रश्न दिए गए हैं। आशा करते हैं कि चारों प्रश्नों का आप लोग उत्तर लिखेंगे। अलग-अलग इसमें प्रश्न है, एक एक्सट्रैक्ट के साथ।